कल एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन कर मांगे पूरी करने के लिए सीएमआर जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन का कहना है कि साल 2020 में 2000 चिकित्सकों की भर्ती के वक्त भी 500 पद खाली रह गए थे, क्योंकि चिकित्सा अधिकारी भर्ती में थर्ड ईयर रेजिडेंट और एसआर सभी जगह सीट ब्लॉक कर मेडिकल कॉलेज में एपी पद पर ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे सीटें खाली रह जाती हैं और आमजन को फायदा नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकार पीजी ब्लॉकिंग सिस्टम को बंद करवाएं। इसके साथ ही 9700 रिक्त पदों के लिए 9400 आवेदन पास होने के बावजूद सरकार ने महज 1765 पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती निकाली है, जिससे बढ़ाकर 4500 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती निकाली जाए। उड़ीसा जैसे प्रदेश में 3500 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती निकाली है। हम पूरे राजस्थान की तरफ से डॉक्टर यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी मांग एक सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि हर जगह ये बताया जाता है कि डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन हकीकत यह है कि डॉक्टर्स राजस्थान में 9000 अभी बेरोजगार है और 2 साल से वैकेंसी निकली है, उसमें ओनली 1765 पद निकाले हैं। हमारी मांग ये है कि 1765 को पद को बढ़ाकर 4500 करें। राजस्थान सरकार से आज पूरे राजस्थान के चिकित्सा जो बेरोजगार चिकित्सक हैं MBBS ग्रेजुएट्स, वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी 2 साल से मेडिकल ऑफिसर की भर्ती नहीं आई थी कोरोना के दौरान, और 2 साल बाद जो भर्ती आई है वो मात्र 1700 पदों की आई है। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि जो 8000 मेडिकल ऑफिसर की सीटें खाली पड़ी है राजस्थान में, उनको जल्द से जल्द भरें और इसी भर्ती में सीटें बढ़ा के और सभी जो चिकित्सक हैं वो सीटों को 4500 करें। सर, जैसे कि पता है कि CSC पे कम से कम पांच जो डॉक्टर होने चाहिए, पर CSC पे गांव में देखा जाता है एक एक डॉक्टर ही है, और कई PSC तो खाली पड़ी है, उसमें एक डॉक्टर की कमी है, कई PSC पे तो ताले लगे हुए हैं, और 8000 से रिक्त पद खाली पड़े हैं पूरे राजस्थान को। तो हम तो चाहते हैं कि कम से कम 4500 पोस्ट तो करे, 9000 से ज़्यादा फॉर्म आए हैं और उसके लिए सरकार ने ओनली 1765 पद निकाले हैं। तो हमारी मांग यही है कि 4500 पद तो करे, क्योंकि 9000-10000 से ज्यादा बेरोजगार डॉक्टर बैठे हैं जो गांव में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, परंतु उनकी सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं।